सो हे गाइस, मैं सत्य प्रकाश, स्वागत है आपको एसपीआर टू पार्ट्स चैनल में। सो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर फ्रेंड्स आपके जो बाइक का मीटर नहीं चलता है तो फ्रेंड्स आपको क्या क्या चेक करना है और फ्रेंड्स इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल इस वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल्स में। फ्रेंड्स आप भी अपने घर पर खुद चेक कर पाओगे कि आपके जो मीटर है किस कारण नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि फ्रेंड्स हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे बाइक के रिलेटेड तो फ्रेंड्स आप तक सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसका जो मीटर के केबल है, जैसे देख पा रहे मीटर का केबल है तो फ्रेंड्स उसको क्या करना है, जस्ट निकाल लेना है। एक्चुअली फ्रेंड्स आपके पास स्क्रू ड्राइवर तो होगा, हर घर हर एक भाई के घर में ये स्क्रू ड्राइवर और जो प्लायर होता है, जो प्लास होता है, वो होता ही होता है। तो फ्रेंड्स उसमें हमें प्लायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि प्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे देख पर कुछ इस तरीके से लॉक लगा होता है, इसको क्या करें, जस्ट इसको प्रेस करेंगे तो फ्रेंड्स इसको ये जस्ट निकल जाएगा बाहर। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये निकल गया है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसका जो जैसे देख पा रहे तार है, एक्चुअली फ्रेंड्स ये क्या होता है, कभी टूट जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके नीचे यहाँ से अंदर से कहीं से भी टूट जाता है तो फ्रेंड्स आपको जो मीटर है वो नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स आपको इसको कैसे पता चलेगा कि मीटर हमारा, जो हमारा तार है, ये टूटा है कि नहीं, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना, जस्ट इसको ऐसे इस तरीके से चलाना है। अगर फ्रेंड्स ऊपर चल रहा है तो फ्रेंड्स मान के चलिए हमारा जो तार है ये बिल्कुल सही है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको चला के दिखाते हैं, हमारा जो मीटर का जो तार है टूटा हुआ है या सही है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं, मीटर में मीटर के पास आ गया हूँ, आप फ्रेंड्स मैं आपको इसको डुलाऊंगा किस तरीके से काम कर रहा कि नहीं। तो फ्रेंड्स जैसे देख पाए हमारा मीटर जो हिल रहा है, यानी कि फ्रेंड्स हमारा जो इसके अंदर जो तार लगा होगा, यानी कि तार लगा है वो फ्रेंड्स वो परफेक्ट वो सही है। तो फ्रेंड्स हमारा जैसे पहला नंबर है जो है वो सही है, इसको हम पता चलेगा कि हमारा जो मीटर का तार है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए फ्रेंड्स हम नीचे दिखाएंगे किस तरीके से और चेक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देखिए, जो हमारा इस मीटर का तार है, जो नीचे वाला जो तार है, एक्चुअली फ्रेंड्स हमारा मीटर का तार जो टूटा नहीं है बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आप कुछ इस तरीके से इसका जो तार टूटा है या नहीं टूटा है बिल्कुल इस तरीके से चेक कर पाओगे, यानी कि फ्रेंड्स हमारा जो मीटर का तार अंदर वाला है बिल्कुल परफेक्ट सही है, वो टूटा नहीं है, बिल्कुल वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। और फ्रेंड्स बचता है हमारे मीटर का जो इसमें गरारी होता है, उसको किस तरीके से चेक करें। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको खोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसको खोलना जस्ट नहीं करना, खोलना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, डबल स्टैंड लगा के इसके फ्रेंड्स आगे वाला जो व्हील है घुमाना, आगे की तरफ घुमाना है, और इसमें फ्रेंड्स जो हमारा इस तरीके से ये उंगली होता है इसको इसमें लगाना है। तो फ्रेंड्स अगर जो मीटर का जो गरारी ख़राब होगा तो फ्रेंड्स नहीं चलेगा, अदरवाइज ये सही रहेगा। तो फ्रेंड्स इसमें जब उंगली करोगे तो फ्रेंड्स ये तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, डबल स्टैंड पे खड़ा करना है, और फ्रेंड्स इसको क्या करना है, पीछे इनको इसको दबाना है। तो फ्रेंड्स जैसे देख पा रहे हैं मैं पीछे को दबा रखा हूँ, और फ्रेंड्स हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसको क्या, एल व्हील को क्या करना है, आगे की तरफ इसको घुमाना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर जो उल्टा घुमाओगे, इस तरीके से घुमाओगे तो फ्रेंड्स हमारा जो मीटर का, जो मीटर की गरारी हो कभी नहीं चलेगी, यानी कि फ्रेंड्स इसमें बाइक में यही होता है, अगर जो उल्टा चलेगा तो फ्रेंड्स मीटर की जो गरारी होती है नहीं चलती है, अगर जो सीधा चलाओगे तो चलेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस तरीके से डाल के, इस तरीके से डाल के आपको इसको आगे चलाना है। तो फ्रेंड्स अगर जो चलेगा तो फ्रेंड्स बिल्कुल पता चलेगा कि जो हमारे मीटर की गरारी है बिल्कुल सही है। एक्चुअली फ्रेंड्स इसमें मीटर की जो गरारी है परफेक्ट सही है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने नया लगा रखा था। एक्चुअली फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, अगर जो आपकी जो मीटर की मीटर जो है वो चलती नहीं है तो फ्रेंड्स किस तरीके से चेक कर पाओगे, घर पर चेक कर पाओगे। तो फ्रेंड्स जैसे देख पा रहे मीटर की जो गरारी है बिल्कुल सही है, इसका जो तार है बिल्कुल सही है, और फ्रेंड्स इसमें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से वो चल रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हैं मीटर की, जहाँ पे मीटर की जो वायर लगता है फ्रेंड्स, उस तरीके से मैंने इसको, मैं कैमरे को लगाया हूँ, जैसे देख पा रहे हमारा जो एक गरारी है चल रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसको दिखा रहा हूँ, ये फ्रेंड्स आपको एल व्हील को जो है आगे को घुमाना है, जैसे देख पा रहे हैं हम जो हमारा मीटर की गरारी है वो चल रही है। जो हमारा जो है मीटर की गरारी चल रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप भी चेक कर पाओगे कि आपकी जो मीटर की गरारी ख़राब है या मीटर की जो तार है ख़राब है, बिल्कुल इजीली आप अपने घर पे भी चेक कर पाओगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हैं हमारे मीटर की जो गरारी वो बिल्कुल सही है, हमारे मीटर के जो तार है बिल्कुल सही है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हमें लगा के दिखाते हैं किस तरीके से काम करेगा, मीटर काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको लगा के दिखाते हैं, इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, जस्ट लगाएंगे, ये फ्रेंड्स हमारा जो लॉक है ये लगता है इसमें, ये देखिए फ्रेंड्स।
ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से लग गया। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको मीटर की तार मीटर की गरारी दिखा दूँ। जैसे देख पा रहे अवेलेबल चल रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स चल फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे कुछ इस तरीके जो हमारा मीटर है बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल इजीली इस तरीके से आप चेक कर पाओगे आपके जो मीटर है चल क्यों नहीं रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात कहना चाहूँ क्योंकि फ्रेंड्स मेरा इस सेकंड भी चैनल एक ओपन हो चुका है, अगर फ्रेंड्स उस पर जाके सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स वो हमारा शॉर्ट वीडियो होने वाला है वो शॉर्ट चैनल, क्योंकि फिर उसमें मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा वो भी बाइक के रिलेटेड मोटिफाइड के रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बोलूँगा आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।